वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके जो पर्सन है वह आपके लिए क्या फील करेंगे, क्या उनकी सोच होगी अगले 72 घंटों में। ओके, तो व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो जितना आपके साथ एक्सेप्ट, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए, और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिए। ओके, यहाँ पर एक बर्ड भी है जो यही बात कह रही है, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिए। ओके, ये रीडिंग व्यूअर्स टाइमलेस है, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे ये है आपके साथ, तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके, आइए चलिए देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे कि आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में कैसा फील करेंगे आपको लेकर। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस कि आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में कैसा फील करेंगे। वेल दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी। चलिए एक बार फिर से शफल करते हैं, क्योंकि मैं एक एक करके ही कार्ड कंसिडर करूंगी। यस यस, ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में उनकी फीलिंग्स। ओके, या ओके व्यूअर्स, तो पहला जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो है कि अगले 72 आवर्स में उनको पहली बात तो ये ज़रूर पता लगने वाला है, या ऐसा ज़रूर फील होने वाला है, या ऐसा विचार ज़रूर आने वाला है कि आपने उनकी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया है, या आपकी वजह से, आप वो कारण हो, आप वो रीज़न हो जिसकी वजह से उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई है। ओके, यस, आवर लाइव्स आर चेंज्ड फॉरएवर। यस, कहीं ना कहीं अब उनका फोकस, उनका ध्यान इस चीज़ पर जा रहा है। पहले वो इस चीज़ के बारे में इतना नहीं सोच रहे थे, या पहले इस चीज़ की तरफ उनका फोकस या अटेंशन इतना नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है पहले सोचा हो कभी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे थे इस बारे में। लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूर इस बारे में सोचेंगे कि आपके आने से इनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए हैं। जब इंसान शांत बैठता है, फ्री बैठता है, तभी ऐसे विचार आते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या बदलाव आ चुके हैं। तो वो नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसे चेंजेस के बारे में सोचेंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि वो आपके साथ कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, या नेक्स्ट 72 आवर्स में आप में से किसी के पर्सन या पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो कहीं जाने की, कहीं ट्रिप की कोई ऐसी बात कर सकते हैं आपसे। अगर कहीं ट्रिप प्लान नहीं हो रही है तो वो सिर्फ ऐसी इच्छा प्रकट कर सकते हैं कि मुझे आपके साथ कहीं घूमने जाने का मन है, ऐसा भी कह सकते हैं। मुझे यहाँ पर, क्योंकि अगले 72 आवर्स में कुछ लोगों का ट्रैवल नज़र आ रहा है, ये आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है या आपकी तरफ से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके पर्सन ऐसा कोई प्लान बना सकते हैं, या सिर्फ वो आपसे अपनी इच्छा शेयर कर सकते हैं। तो ये दिख रहा है, फाइंड आउट वॉट इज इम्पॉर्टेंट टू द पीपल यू लव एंड एक्ट ऑन इट। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, अगले 72 आवर्स में उनकी, उनके अंदर ऐसा विचार आ सकता है या ऐसा महसूस भी कर सकते हैं वो, कि आपको पसंद क्या है और आपकी क्या नापसंद है, क्या पसंद है क्या नापसंद है। वो ये चीज़, इन चीज़ों पर शायद उनका पहले इतना अटेंशन या इतना फोकस नहीं था, क्योंकि आप, आपके लाइक्स डिसलाइक्स उनको, ऐसा हो सकता है शायद कि आपके कनेक्शन में अभी वो कंफर्ट, या वो ऑनेस्टली अपने आप की फीलिंग्स को डिस्कस करना, या ऑनेस्ट डिस्कशन करना, या जो दिल में है वो बोल देना एक ओपन बुक की तरह, यू नो, बहुत एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल, बहुत ओपन होना, अभी शायद आप लोग ये सब करने से थोड़ा सा बच रहे हो, दोनों ही आप नर्वस होते हो। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं,
आपको डेप्थ तक जानना चाहते हैं, आपको गहराइयों तक जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या पसंद है आपको, क्या आपकी ना पसंद है। तो एक तरीके का ऐसा मैसेज है दैट दे वांट टू नो यू बेटर, वो आपको अच्छे से जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बस अट्रैक्शन है, आप पसंद आ गए हो जस्ट बिकॉज योर फेस इज लवली एंड जस्ट बिकॉज योर पर्सनैलिटी इज अट्रैक्टिव। नो, वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे इंसान हो, आप जीवन के बारे में सोच क्या रहे हो, आपकी इच्छाएं क्या हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या फेलियर्स रहे हैं लाइफ में। दे वॉन्ट टू नो योर स्टोरी, ओके? और उसके लिए मुझे लगता है वो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। जो चेहरा यहाँ पर जो लग रहा है वो बहुत ही एक बेबी बेबी फेस नज़र आ रहा है, जैसे एक बच्चे का मुख होता है, एक बच्चे का चेहरा होता है, बहुत ही मासूम, ओके? बच्चे के चेहरे से कैसे मासूमियत झलकती है, कितनी इनोसेंस दिखती है। तो व्यूअर्स, जब भी वो आपको देख रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, जब भी वो आपको देख रहे हैं, आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं या आपके प्रोफाइल पिक्चर को बार बार देख रहे हैं, तो उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि कितने इनोसेंट हैं आप, कितने इनोसेंट हैं आप और कितने भोले हैं आप। तो आपकी मासूमियत उन्हें और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आपकी मासूमियत उन्हें विवश करती है आपके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, आपके साथ बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डीप करने के लिए वो और ज़्यादा इंटरेस्ट फील करते हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि वो आपकी इनोसेंस उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। आप ऐसा ऐसा समझ लीजिए बस। यस, आपकी जो इनोसेंस है व्यूअर्स, वो मैजिकल है आपके पर्सन के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि या तो आपके पर्सन के पास कोई पेट हो सकता है या आपके पास कोई पेट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आप में से किसी के घर गुड़हेल का फूल हो सकता है, या पहले लगाया था या अभी रिसेंटली लगाया है, आई डोंट नो, या घर के आसपास कहीं हो सकता है या कहीं नज़र आया है या नेक्स्ट 72 आवर्स में नज़र आ सकता है। अगर नज़र आता है अगले 72 घंटों में आपको गुड़हेल का फूल यानी हिबिस्कस फ्लावर, तो वो बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ओके? यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा लग रहा है जैसे आपके बाल खुले हुए हैं और आपके पर्सन आपकी कोई पिक्चर देख रहे हैं, आपकी कोई फोटो देख रहे हैं इन नेक्स्ट 72 आवर्स। तो हो सकता है आपकी कोई ऐसी फोटो है, ओके? यस, लव मेक्स द डिफरेंस। वो ऐसा भी महसूस कर सकते हैं व्यूअर्स अगले 72 आवर्स में, दैट लव मेक्स द डिफरेंस। कार्ड का मैसेज यही है, लव मेक्स द डिफरेंस, विच मीन्स कि यहाँ पर व्यूअर्स प्यार ने उनके जीवन को कितना बदल दिया है, प्यार की वजह से उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं, वो एज अ ह्यूमन बीइंग कितना बदल चुके हैं, कितना उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, ओके? कितना वो इमोशनली भी सोचने लगे हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं अब दिल से भी सोचने लगे हैं। तो प्यार ने उन्हें कितना बदल दिया है, ये सारे फैक्ट्स को, ये सारे बातों को रिकॉग्नाइज करेंगे वो अगले 72 आवर्स में। मुझे लगता है उनको थोड़ा फ्री समय मिलेगा अगर, तो वो ज़रूर इस बारे में सोचने वाले हैं कि प्यार ने उन्हें कितना बदल दिया, या जब से आप उनकी लाइफ में आए तो कितना चेंज आया। तो मुझे ज़्यादातर इनकी फीलिंग्स इसी बारे में लग रही हैं कि आपके आने से इनकी लाइफ कितनी बदल गई है, कितनी इम्प्रूव हो गई है, इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और प्यार ने इन्हें कितना बदल दिया है। पहले कितने ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते थे, बहुत कैलकुलेटिव थे, लेकिन प्यार आने की वजह से थोड़ा सा ये इमोशनली भी सोचते हैं या दिल से भी सोचते हैं, भावनाओं की बहुत कदर करते हैं, रिश्तों की कदर करते हैं, ऐसा लगता है। अगले 72 आवर्स में मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि हो सकता है कि आपके पर्सन व्यूअर्स या तो कुछ अनाउंस करना चाहते हैं, कुछ डिक्लेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात जो सबको बताई जाती है, क्योंकि अनाउंसमेंट सबके लिए होती है, कुछ डिक्लेयर करना होता है तो वो सबके लिए होता है। तो मुझे लगता है कि वो सबको कुछ बताना चाहते हैं, कि शायद वो सबसे शेयर करना चाहते हैं कि आप उनके हो, शायद वो सबको ज़ोर ज़ोर से बोल के बताना चाहते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, शायद वो चीख चीख कर कहना चाहते हैं कि वो प्यार में हैं, बट ऑफकोर्स इन रियलिटी पीपल डोंट डू दैट, बट वो ऐसा फील करते हैं कि वो सबको बताएं, विच मीन्स कि अगले 72 घंटों में वो ऐसा महसूस करेंगे, ऐसा फील करेंगे या ऐसा इमेजिन करेंगे कि वो सबको बताएं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो सबको बताएं ज़ोर ज़ोर से बोल के कि आप उनके हैं, ओके? तो ये एक रोमांटिक थॉट है, ये कोई बहुत सीरियस थॉट नहीं है, ये एक रोमांटिक थॉट है, हम ऐसा कह सकते हैं, ओके? यस यस, हो
हो सकता है व्यूअर्स, जहाँ आप रहते हैं या जहाँ आपके पर्सन रहते हैं उसके आसपास कोई वाटर बॉडी है, या पहले कोई वाटर बॉडी थी, कोई तालाब, कोई कुआं, या कोई लेक, या कोई रिवर आपके शहर के आसपास, या आपके घर के आसपास, कहीं दूर तक घर के आसपास, यानी कि आपके घर के एरिया में या आपकी सिटी में ही कोई वाटर बॉडी ऐसी है, कोई लेक है या रिवर है, नहीं तो आपके घर के आसपास कोई तालाब, कोई पॉन्ड पहले भी था अगर, जो बाद में सूख गया है या बंद हो गया है, तो हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। यस यस चलिए और देखते हैं कि वह कैसा महसूस करेंगे व्यूवर्स अगले 72 आवर्स में आपको लेकर। ओके, वह कैसा महसूस करेंगे अगले 72 आवर्स में आपको लेकर। ओके, यहाँ पर एक कार्ड है, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है व्यूवर्स आप में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी मैरिड पर्सन के साथ आप अट्रैक्शन में हैं, या किसी बातचीत में हैं, किसी कनेक्शन में हैं। मुझे बहुत कम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, तो हो सकता है कि अगर उनके बच्चे हैं, ओके, अगर हो सकता है उनके बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, और आपकी अनहैप्पी लाइफ है, अनहैप्पी मैरिड लाइफ है, ओके, अगर आपकी मैरिज जो है, अगर आपकी शादी जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, या उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं है, बट दे हैव किड्स और यू हैव किड्स, तो मुझे लग रहा है वो उस बारे में भी सोच सकते हैं। फॉर सम पीपल, बहुत कम लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर उनकी शादी हो चुकी है और अनहैप्पी मैरिड लाइफ है, या अनसक्सेसफुल मैरिज है, और अगर आपका ऐसा सिस्टम है, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं बच्चों के बारे में। ओके, यस, या अगेन ये ऐसा हो सकता है कि आपकी जो लव लाइफ है वो किसी तरह से उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है कि उनकी फैमिली में बच्चे हों, उनके खुद के बच्चे ना हों, तो उनके घर में बच्चे हों, या उनके घर में या उनके घर के आसपास बच्चे हों, पड़ोसियों के यहाँ बच्चे हों, या जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं उस बिल्डिंग में काफ़ी बच्चे हैं, उनके आसपास बच्चे हैं, या कहीं वैसी जगह जाते हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं जो आसपास किड्स होते हैं। सेम गोज फॉर यू व्यूअर्स, हो सकता है आपकी फैमिली में बच्चे हो सकते हैं अगर आपके नहीं हैं तो, या आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं आसपास, पर मुझे यहाँ बच्चे नजर आ रहे हैं। यस, चलिए देखते हैं। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ये वाला डिसेप्शन। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कार्ड का, ओके, ये कार्ड मैं पकड़ू कैसे। हाँ, डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मुझे लगता है व्यूअर्स आपके पर्सन ने अब तक आपसे बहुत कुछ छुपाया था, बहुत कुछ छुपाया था, ट्रूथ रिवील नहीं किया था, चाहे अपनी फीलिंग्स को लेकर हो, या अपने फैमिली इश्यूज को लेकर हो जो कि आप जानना डिजर्व करते हो, या फिर अपने कार्मिक पार्टनर्स को लेकर हो, अपनी पास्ट को लेकर इन्होंने हो सकता है बहुत कुछ ना बताया हो आपको। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपा ली, या तो ये सोच के कि अगर आप सुनोगे तो आप बहुत गुस्सा करोगे, या फिर ये सोच के कि आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें छोड़ कर चले जाओ, या इनको रिजेक्ट कर दो, या फिर आप सुनकर बहुत दुखी हो जाओ। तो कोई ऐसा इनके मन में कोई ऐसा कारण था जिस वजह से इन्होंने आपसे अपने पास्ट की बातें, फैमिली की बातें, या कोई और लाइफ की कोई और ऐसी बातें हैं जो आप डिजर्व करते हो जानना, वो बातें छुपा ली। तो ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह से सच नहीं बोल रहे थे, ऑनेस्ट नहीं थे, इस बात का कहीं ना कहीं हो सकता है इन्हें बुरा लगा है, इनको रियलाइजेशन हुआ है कि इन्होंने गलत किया। और ये भी हो सकता है कि अगले 72 आवर्स में वो आप में से कुछ लोगों के पर्सन हैं जो अपनी सच्चाई को बताएं, जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, उसको रिवील करें आपके आगे कि क्यों उन्होंने आपसे कुछ क्या क्या छुपाया है, पहले तो ये बताएं, और क्यों छुपाया है, क्या डर था उनको। तो वो हो सकता है कि 20-25% लोगों के लिए, मुझे लग रहा है बहुत ही कम लोगों के लिए, कि ये आपको आके बता दें कि इन्होंने क्या छुपाया था और क्यों छुपाया था। लेकिन मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि इन्हें बस बुरा लगेगा कि इन्होंने ये सब छुपाया, या ये सब छुपाना पड़ा आपसे, इस बात के लिए बुरा फील होगा, ओके, गिल्टी फील होगा इस बात के लिए, लेकिन एकदम से आके सब कुछ बताने नहीं लगेंगे, लेकिन सिर्फ 25% या 20% लोग, मुझे लग रहा है, बताएंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स,
बहुत रोमांटिक भी फील कर सकते हैं व्यूअर्स। खैर रोमांस तो इनका दिखाई दे ही रहा है कि वो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपको अच्छे से जानना चाहते हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि व्यूअर्स वो अगले 72 आवर्स में ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी महसूस कर सकते हैं जैसे उन्हें आपके साथ प्लेफुल होना है, आपके साथ फ्लर्ट करना है, आपके साथ रोमांस करना है, अकेले में आपके साथ वक्त बिताना है, ओके, आपके साथ हंसना है, हंसाना है और आपके साथ इंजॉय करना है। मे बी दे वॉन्ट टू सिंग फॉर यू, शायद वो आपके लिए कोई गाना गाना चाहते हैं या आपको कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है, जैसे मैंने कहा है कि वो कोई गाना गाना चाहते हैं या डेडिकेट करना चाहते हैं। ओम शांति ओम मूवी है, उस मूवी का सॉन्ग है, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबा में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। तो व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे और आपके लिए ऐसा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे या ऐसा सॉन्ग गुनगुनाएंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स काफ़ी रोमांटिक भी हो सकते हैं। थोड़ा सा गिल्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इनका, अगर इन्होंने झूठ बोला है तो उस चीज़ के लिए थोड़े से गिल्टी हो सकते हैं। डॉग्स आर बार्किंग, मे बी देयर स्ट्रीट डॉग्स आर फाइटिंग आउट देयर, यस। चलिए मैं देखती हूँ कि अगले 72 घंटों में वह आपसे कहना क्या चाहते हैं, ओके, ये कहना क्या चाहेंगे अगले 72 घंटों में, नेक्स्ट 72 आवर्स में वो आपसे क्या कहना चाहेंगे। योर काइंडनेस हील्स मी, योर काइंडनेस हील्स मी, यानी कि आपकी जो काइंडनेस है, जितनी करुणा है आप में, जितनी दया है आप में, जितने आप डाउन टू अर्थ हैं, तो आपकी जो काइंडनेस है वो इनको हील करती है। क्योंकि हो सकता है कि इनकी गलतियों के बाद भी आप इन्हें माफ़ कर चुके हैं, सेकंड चांस दे चुके हैं या इनको माफ़ कर देते हैं, तो आप कितने काइंड हैं ये इन्हें पता है और आपकी काइंडनेस कहीं ना कहीं इन्हें हील करती है। ओह सी दिस कार्ड, आई लव यू, तो अब तो बात सीधी सीधी हो गई, वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, दे लव यू। My days with you were the best days of my life. My days with you were the best days of my life. यानी कि जो समय, जो दिन, जो पल मैंने आपके साथ बिताए हैं वो मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पल हैं, वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत समय है। अब तक का उनके जीवन का सबसे खूबसूरत समय यही है जो उन्होंने आपके साथ बिताया है, चाहे आपसे बात करके, चाहे आपके साथ बैठ के, चाहे किसी भी तरह का वक्त बिताया हो, लेकिन उनके लिए वो उनकी लाइफ के बेस्ट एंड ब्यूटीफुल डेज हैं, उनकी बेस्ट एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। ओके या चलिए देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पर आपके और उनके नाम में क्या अक्षर हो सकते हैं। आपके और उनके नाम में जी हो सकता है व्यूअर्स, के हो सकता है, एम हो सकता है, ओके, एक्स हो सकता है, ये रीडिंग आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, एच हो सकता है उनके या आपके नाम में, आर हो सकता है, क्यू, बी, एल, एस, टी, ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं व्यूअर्स। ओके आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, इस रीडिंग ने आपको गाइड किया है। ओके तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ। तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई व्हाट्सएप नंबर देता है तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, वो एक स्कैम है, क्योंकि मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड नहीं किया है। ओके व्यूअर्स, तो सावधान रहें, ऐसे फ्रॉड से सतर्क रहें। ओके और अपकमिंग रीडिंग्स के लिए मुझे सजेशंस देना ना भूलें, ज़रूर सजेस्ट करें मुझे। ओके क्योंकि मैं एक एक करके आप लोगों के सजेशंस को, आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं उन्हें कंसिडर कर रही हूँ, उन पर रीडिंग्स बना रही हूँ।
So thank you so much for your thank you so much for giving me your precious time. I don't know why do I fumble with the words a lot. तो मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है शब्दों के साथ, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया व्यूअर्स. चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल.